ग्वालियर की पड़ाव थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहरण दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इस बीच पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि दोनों आरोपियों ने ग्वालियर के दाने बाबा की दरगाह डीडी नगर में देखे गए हैं। इस बीच पुलिस ने दबिश देकर दोनों आरोपी महिला और पुरुष को दबोच लिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। ये वर्ष 2014 का नाबालिग बच्ची के अपहरण और बलात्कार से संबंधित मामला है, जिसमें कि दो लोग जिन पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उनके फरार होने पर घटना दिनांक से फरार होने पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया था, हमारे थाना पड़ाव के सब इंस्पेक्टर मुकेश शर्मा और उनकी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनको दाने बाबा की दरगाह और डीडी नगर से और कृष्णा नगर से, ये वर्ष 2014 से ही फरार थे, जिनकी लगातार तलाश कर रही थी। ये स्थान बदल बदल कर रह रहे थे, पहले भी इनके लिए काफ़ी दबिश दी गई किंतु ये नहीं मिल पाए थे। अभी सटीक इनको मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। आज इनको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। महिला आरोपी भी है, एक आरोपी है कृपाल आदिवासी और महिला आरोपी है रामकली आदिवासी। 2014 से ये मजदूर किस्म के लोग हैं? 5,000 रुपये का SP साहब के द्वारा इनाम घोषित किया गया था।